नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। घग्गर नदी जो इस समय काफ़ी पानी लिए हुए है, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी। ये बरसाती नदी कहीं ये छोटी है मगर विशाल जीवनदायिनी के रूप में मानी जाती है। मगर ये ही जब अपने किनारों की सीमाओं को तोड़ देती है तो इसके किनारों पर बसने वाले नगर और गांव आतंकित हो उठते हैं। ऐसा ही हुआ है अब की बार। केवल एक ही दिन में लोगों को डरा दिया। किसानों की फसलें इस समय बर्बाद हो चुकी हैं। लगभग 250 से 300 एकड़ भूमि में पानी फिर चुका है। नदी के बीच का बहाव तेज है। कई वर्षों बाद इतनी तेज बहाव और वो भी एक दिन में आया। आसपास के किसानों का कहना है कि इस समय पानी और बढ़ रहा है। वहीं ओटू से पीछे कई जगह पर पानी टूट भी चुका है, यानी वो अपना किनारा तोड़कर खेतों में फैल चुकी हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि में फसलें बर्बाद हो गई। आज आपको दिखाते हैं बरसाती नदी की इस प्रचंड होती रूप को। जल स्तर बढ़ने के कारण मुनक के मरकोट साहिब के पास में बांध टूट चुका है, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। 150 फीट गहरे घग्गर के खलल के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। फिर भी दरार अभी तक नहीं बन पाई। कई गांव में हजारों एकड़ फसलें पानी की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि राज्य में गुरुवार को सुबह भारी बारिश के कारण संगरूर जिले में खनौरी के मुनक इलाके में गुजरने वाली घग्गर नदी का जल स्तर अचानक खतरे के निशान पर पहुंच गया। लगभग 8 घंटे के बाद में जिले के उपायुक्त घनश्याम थोटी ने सेना की व्यवस्था की और NDRF से मदद मांगी। उल्लेखनीय है कि यहां से बारिश के कारण 30,000 से अधिक घर जो है पानी के अंदर जलमग्न हैं। इन घरों में खाने पीने की सामग्री बर्बाद हो चुकी है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों की स्थिति काफ़ी गंभीर रही। कई गांवों में बने तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं और उनका पानी गांव में घुस चुका है। जिले के अधिकांश बाढ़ जैसी अवस्था हो चुकी है। ज़्यादातर इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। इस समय लोग अपने इलाके में घरों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर घग्गर नदी का किनारा जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो आसपास के गांवों में भी बाढ़ आ, इससे लोग अपने घरों में फंस सकते हैं। मौके पर लोगों को कहां जाने के लिए कहा जाए, क्योंकि पहले ही फसलों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।
क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अब इस समय घगर में कितना का पानी आपको लग रहा है? 5-6 हजार के कुछ के करीब। 5-6 हजार क्यूशक? हाँ जी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के, खैरे कहाँ के। अच्छा, ये बात बताइए कि कितने सालों से आप इस यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आई है कि बांध का और इसका मुकाबला करना पड़ा है आपको, बाढ़ का? हमारा तो जन्म ही यहीं का, ऐसे ही देख रहे हैं, जब से मान लो ये पानी आता है तो मुकाबला करना पड़ता है। अब की बार क्या लगता है आपको? अब की बार पानी पीछे ज़्यादा है, कुछ पीछे ज़्यादा है। हाँ, पीछे कुछ 52 हजार कुछ बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ कहीं बता रहे हैं कि बांध टूटा भी है? हाँ, ये सारनी के पास टूटा है। आपने धान की फसल है जी, 250-250 किलो एकड़ फसल है, मान लो धान की खराब होगी। अच्छा, नुकसान हुआ है उसमें? नुकसान हुआ है जी, वो धान तो खत्म हो जाएगा, पानी सूखेगा नहीं। अच्छा, सरकार जो ये धान की या जो भी फसलें आती हैं इस नाली के अंडर आ जाती है, उसका कोई मुआवजा वगैरह होता है? उसका कुछ मुआवजा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुगन। गुगन जी, लगता है कहीं से आप खेतों से आ रहे हैं? हाँ जी। कितना पानी है यहाँ पर? पानी सवेरे तो उतर गया, पीछे मल्लाड़ा वाला टूटे हो जाते। अच्छा, उसके बाद पूरा चढ़ा है, चढ़े बगैर, टूटने के बावजूद भी चढ़ रहा है? हाँ, चढ़ रहे हैं फुल। तो इसका मतलब पीछे से पानी काफी आ रहा है? काफी आ रहा है। तो कितना नुकसान लग रहा है आपको? कि भी नुकसान तो मौका वो तो थोड़ा ही है, बाकी ऐसे चढ़े तो रात मसा काटेगा। अच्छा, अभी रात रात में नहीं लगता आपको कि भी ये मतलब कायम रहे? अच्छा अच्छा, तो फसलें आपको, आपकी फसलों को नुकसान हुआ है कुछ? अजय तो नहीं हुआ अपनी को। अच्छा, नुकसान ही है जो जिम्मेदार अपनी ही है अभी। अच्छा, तो कितनी की फसलें ऐसी लग रही है आपको कि भी अभी तक बची हुई हैं आगे? 250 किलो बच रहे हैं मौके का। 250 किलो बची हुई हैं? बची हुई है। और ये जो छोटा बांध है इसके आगे? इसके छोटा बांध है, उसके आगे वन सुधार गिरोही आ जाए। अच्छा, वन सुधार और ओटू तक ये कितनी जमीन होगी सारी? घनी होगी, मान लो एक गाँव में 250 किलो आ रही है, गाँव तो 3-4 है बीच में। अच्छा, अगर ज्यादा पानी आ जाता तो ये इसको नुकसान है? तो सरकार ने कुछ अलर्ट किया है आप लोगों को, सरकार ने या प्रशासन ने? अभी किसी ने नहीं बताया कि पानी कितना आ रहा है आगे? कुछ नहीं बताया जी। चलो ठीक, आप ही अंदाजा लगाओ, पानी भी सब आने लग रही है। अच्छा अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? शिवकरण है जी। शिवकरण जी, अब की बार क्या लगता है, नाली ये जो भर रही है, कह बता रहे हैं कि पानी इसमें चढ़ता ही जा रहा है और पिछली बार की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कहना क्या चाहेंगे, विचार तो है इस बार भी पानी ज़्यादा है और हर मतलब इसका शुरुआत ही पहले से ज्यादा ही। अच्छा, शुरू में ही पानी पहले पिछली बार के से ज्यादा है? इन्हें आते आते नुकसान कर दिया। अच्छा, इतना पहले नहीं कभी होया। अच्छा, पीछे जो नाली में पानी आता था उससे इतना नुकसान नहीं था जो अब की बार तुरंत हुआ है इस बार? हाँ। अच्छा, इसने तो 2 दिन में दिखा दिया रंग। अच्छा, तो इसका मतलब आगे और ज्यादा हो सकता है पानी? आसार है, ये खतरे से बाहर ही है। अच्छा, कितना का नुकसान अब तक हो गया होगा, कितने लोगों का जमीन? 200-150 किलो मल्लेवाला सारनी, इसकी जमीन पानी में बांध टूट गया। अच्छा, ज्यादातर धान होगा इसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलविंदर कुमार है जी। बलविंदर कुमार जी, अब की बार बता रहे हैं कि नाली में काफी पानी जो है इस समय ही आ चुका है और आगे भी आसार बता रहे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है इसमें अगर पानी ज़्यादा आया तो? देखो जी, 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल, ये जो पानी बहाव ज़्यादा आ रहा है 2 दिन में जी, पीछे नुकसान भी इसने बहुत ज़्यादा किया है अभी तक। हाँ, जो रिपोर्टें आ रही हैं अभी भी, मेरे दोस्त ने किसी से फ़ोन किया था तो कहते गिल्ला चुका, उधर भी कोई बांध टूटा और संगरूर में भी नुकसान किया, यहाँ नज़दीक ही हमारे नेजड़ेला गांव है, वहाँ भी 200-250 एकड़ जमीन को उन्होंने नुकसान किया, टूट गया था बांध। 2 दिन में ही इसने तबाही, एक तबाही का मंजर बना दिया जो कि आज तक ऐसा नहीं देखा गया। अच्छा। और प्रशासन भी तैयारियों में कुछ, ये बड़ा बांध है इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये जो छोटा बांध है ये किसानों ने खुद बांध है, ये किसान ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये बांध आज तक शायद 2 बार टूटा है, जितनी बार भी यहाँ फ्लड आया है, तो ये बांध सुरक्षित ही रहता है हर बार। और जो प्रशासनिक बांध है वहाँ तक, ये आप देख रहे होंगे इधर, वहाँ तक तो पानी लगता ही नहीं इसका ज्यादा, जब ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो 1-2 बार ये बांध टूटा है और इधर पानी लगा है। तो ये जिम्मेदार ही खुद ही इस बांध से। अच्छा, ये बांध टूटेगा तो जमींदारों को नुकसान है? ये बांध टूटेगा तो लगभग 1200 एकड़ जमीन जो कि धान की जमीन है, जमींदारों की फसलें हैं, वो खत्म हो जाएंगी।
Okay. और जिमीदार खुद ही अपनी मेहनत से ये बांध बचाए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बांध को और मजबूत किया जाएगा या कैसे? खुद किसान ही कर रहे हैं मजबूत, सरकार द्वारा तो कोई वो है नहीं। अच्छा, प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी किया है इसके लिए? प्रशासन ने अभी तक तो देखो जी पंचायत को बोला गया, जो ये प्रशासनिक बांध है यहाँ से जो पाइप लाइने वगैरह जिमीदारों की जा रही है वहाँ आप गट्टे भरवाओ। हाँ। वो तैयारियां कर रहे हैं, ये कुछ डैम्पर मिट्टी के भी आए हैं यहाँ पे, उसके गट्टे भरवाने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है। और गांव में कोई खास अलर्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी दो ही दिन हुए हैं, अभी पानी चढ़ाई पे आ, शायद आज शाम तक कोई अलर्ट हो जाए तो हो जाए, अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है। ठीक है। कोई प्रशासन से आप मांग करना चाहें? प्रशासन तो यही मांग है कि ये इस जो किसानों का बांध है इसकी तरफ भी ध्यान दे ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सके। अच्छा। हर बार किसान ही इस पर मेहनत करते हैं। अच्छा, ये बांध जो ये बना रखा है ये किसानों ने खुद तैयार किया है? का प्राइवेट बांध है किसानों का। अच्छा अच्छा। तो प्रशासनिक तो क्या लगता है इससे कोई खतरा है? खतरा तो है ही जी, बिल्कुल है जी खतरा। तो पानी जो है पहले तो बिल्कुल सूख गया था। अच्छा। अरे अभी एकदम ही आया ये बरसात और ये पीछे कैसे। अच्छा, कितने दिनों में आ गया ये इतना जल्दी? 3 दिन के अंदर ही भर गई जी नाली फुल हो। अच्छा। और हर साल से अब की बार ज़्यादा है या कम है? अभी तक तो उस इतना ही है, पिछले साल से तो ये कम ही है। अच्छा। तो नहीं कि आ रहे हैं पीछे से पानी, ये अभी के बाद डुबोएगा, छोड़ता नहीं है। अच्छा। ना कोई प्रशासन है ना कोई आने वाला है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया? यहाँ तो कोई आया नहीं जी। खैर का। अच्छा। ये हमारे बांध पर उधर पीछे बांध टूटा वहाँ गए हो? नहीं, बांध पीछे टूटा है। कब से टूटा हुआ है? पीछे जी मेरे पीछे टूटा है, रात 3 बजे टूट गया। अच्छा। तो पुराना नेजा डेला है ना जी? हाँ हाँ। पुराना नेजा डेला से लेकर वो मल्लेवाड़ा तक जो अंदर बांध रिंग बांध बांधवा था ना नहर के ऊपर, उसमें कम से कम भी 100 एकड़ तो जो है ना धान जो कटाई में तैयार हो रही थी, दोबारा धान बीजना था, वो खत्म हो गया। अच्छा। तो बाकी के फसल सारी बर्बाद हो गई जो बांध के टूटने के बाद जो जहाँ जहाँ पानी फैला। हाँ, 300 एकड़ में था वैसे सारी फसल, तो 100 एकड़ तो ऐसे था ना जो धान पक रहा था। अच्छा, पका हुआ था इससे पहले? 10 दिन में काटने वाला था। अच्छा। वो भी बर्बाद हो गया। और वैसे तो ये है जीवनदायी नहीं, इसके बिना है कुछ नहीं। हाँ, पानी ना आए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि चोहे भी ऊपर आएंगे। कुछ तो प्रशासन ने नहीं कोई ख्याल कराया, कुछ जो अपने लोग हैं वो भी नहीं सहयोग देते। वो ऐसे हैं जो जिसके 2 किले हैं वो कहता है मुझे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, जो 10 किले वाला अपने आप करेगा, कई 2 किले वाला भी घूमता है। कुछ लोग तो बता रहे थे कि ये जो एक बांध बना रखा है छोटा बांध जो निजी बांध बताते हैं, निजी बांध, इससे मतलब काफी लोगों की जमीनें बच रही है। आगे उधर मल्लेवाड़ा टूट गया। अच्छा। उधर नेजा डेला से जो पुराना नेजा से लेके मल्लेवाड़ा वहाँ टूट गया, अपने तो यहाँ कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। आपने वो कभी तो प्रशासन जो है मतलब अभी तक प्रशासन ने कोई कोई नहीं आया? ओके। कोई जे नहीं आया, जे ही नहीं आया, कोई एसडीओ कोई नहीं आया, ना कोई पुलिस अधिकारी आया, कोई महकमा नहीं आया। आ जाए ना जी। हाँ जी। कोई इंतजाम कर दे तो थोड़ा बहुत निगरानी कर हो जाएगी, आदमी भी आ जाएंगे। हाँ, गांव के लोग तो सहयोग कर ही सकते हैं। जेबीसी हो जाए, लाइट का प्रबंध हो जाए थोड़ा। अच्छा, जेबीसी प्रशासन की तरफ से अगर आपको मिल जाए तो? हाँ जी बिल्कुल, जेबीसी मिल जाए और ये लाइट कोई हो जाएगी, लाइट का थोड़ा बहुत प्रबंध आ जाएगा ना किनारे के ऊपर, ये हमारी 300-400 एकड़ फसल बच जाएगी। ठीक है।